अस्सलाम वालेकुम। अपनी लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज पेपर 5 यानी नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स कंप्यूटर एप्लीकेशंस का फोर्थ लेक्चर रहेगा और एज पर सिलेबस हमारा टॉपिक है सिक्योरिटी मेजर्स एंटीवायरसेस, यानी कंप्यूटर में सिक्योरिटी मेजर्स क्या चीज़ हैं और एंटीवायरसेस क्या चीज़ है। लेकिन एंटीवायरसेस पढ़ने से पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि हमें एंटीवायरसेस कब इस्तेमाल करने हैं, क्यों इस्तेमाल करने हैं और किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करने हैं। तो इस वजह से हमें पहले जानना है कि मालवेयर क्या है और वायरस क्या है, तब जाके हम एंटीवायरस पढ़ेंगे। यानी हमें पहले ये जानना है कि हमें सिक्योरिटी मेजर किस चीज़ के लिए चाहिए, तब जाके हम वो सिक्योरिटी मेजर्स पढ़ेंगे। तो दैट मीन्स हमारे आज के टॉपिक में सब टॉपिक्स रहेंगे कंप्यूटर सिक्योरिटी मेजर्स, मालवेयर एंड इट्स टाइप्स, वायरस एंड इट्स टाइप्स, एंटीवायरस एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर की सिक्योरिटी का क्या मतलब है। कंप्यूटर सिक्योरिटी, जिसे हम साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल सिक्योरिटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी, शॉर्ट में आईटी सिक्योरिटी के नाम से जानते हैं, उसका मतलब है कंप्यूटर सिस्टम्स को या कंप्यूटर नेटवर्क्स को, आईटी नेटवर्क्स को प्रोटेक्शन देना डेंजरस मैलिशियस अटैक्स से, एक्टर्स से जो कि एम करते हैं एट अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डैमेज और डिसरप्शन और मिसडायरेक्शन ऑफ द सर्विस बीइंग प्रोवाइडेड। यानी कंप्यूटर सिक्योरिटी एक ऐसी सिक्योरिटी है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स और आईटी नेटवर्क्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स को बचाती है फ्रॉम ऐसे अटैक्स से जो कि एम करते हैं या जो कि रिजल्ट होते हैं इन अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन में, या हमारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और डेटा के डैमेज में, या डिसरप्शन और मिसडायरेक्शन ऑफ द सर्विस में। ठीक है, तो अगर हमें अपने कंप्यूटर सिस्टम्स को, नेटवर्क्स को बचाना है इन मैलिशियस एक्टर्स से, मैलिशियस अटैक्स से, या इन अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन से, या हमारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को डैमेज से बचाना है, तो हमें अपने सिस्टम्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है जिसका नाम है कंप्यूटर सिक्योरिटी। ठीक है, नाउ कंप्यूटर सिक्योरिटी मेजर्स कौन कौन से आते हैं। पर्सनल फायरवॉल यूज करना, अपने ब्राउजर्स को, ऑपरेटिंग सिस्टम्स को अप टू डेट रखना, सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करते रहना, पॉपअप ब्लॉकर एक्टिवेट करके रखना, कंप्यूटर को बार बार स्कैन करते रहना, रेगुलरली स्कैन करते रहना मालवेयर्स की डिटेक्शन के लिए। मालवेयर्स क्या होते हैं आगे जानेंगे हम। जब हमारा कंप्यूटर इन यूज ना हो तो उसे शट डाउन करना चाहिए और डिसकनेक्ट करके रखना चाहिए इंटरनेट से। ये कुछ तरीके हैं किसके, कंप्यूटर सेफ्टी मेजर्स के। यानी कि अगर हम ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो हम अपने कंप्यूटर को बहुत हद तक सेफ्टी में रख सकते हैं। ठीक है, नाउ पहले हम देखेंगे कि मालवेयर क्या होता है। मालवेयर शॉर्ट फॉर्म है मैलिशियस सॉफ्टवेयर का। ठीक है, मतलब डेंजरस सॉफ्टवेयर, नॉटी सॉफ्टवेयर, अटैकिंग सॉफ्टवेयर, ऐसा आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो मालवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको साइबर क्रिमिनल्स यानी जिन्हें हम हैकर्स कहते हैं वो डेवलप करते हैं ताकि वो उसकी मदद से डेटा को चोरी कर सके, डैमेज कर सके, डिस्ट्रॉय कर सके कंप्यूटर्स में से और कंप्यूटर सिस्टम्स में से। ठीक है, यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि मैलिशियस है, जो कि अटैकिंग है, जो कि नॉटी है, जिसको कौन डेवलप करता है, हैकर्स डेवलप करते हैं। किस एम से, क्यों डेवलप करते हैं, ताकि वो बाकियों के कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन को चुराए, उनकी इंफॉर्मेशन को डैमेज करें, उनके कंप्यूटर्स को डैमेज करें। ठीक है, तो अब कॉमन मालवेयर कौन कौन से होते हैं, यानी कि कॉमन टाइप्स ऑफ मालवेयर क्या क्या है। वायरसेस एक टाइप का मालवेयर है, वर्म्स, ट्रोजन वायरसेस, स्पाईवेयर, एडवेयर एंड रैनसमवेयर। इसके बगैर भी बहुत सारे टाइप्स है मालवेयर के, वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन कॉमन जो है वो यही 6 है। ठीक है, तो आगे मैं इसके बाद भी आपको बताऊंगी कौन कौन से हैं। तो मालवेयर क्या हुआ, मालवेयर हुआ वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कि इस नियत से डेवलप किया जाता है साइबर क्रिमिनल्स के थ्रू यानी हैकर्स के थ्रू, ताकि वो कंप्यूटर्स जो भी यूज करते हैं
उन कंप्यूटर्स का डेटा चुरा सके, उसको डिस्ट्रॉय कर सके या कंप्यूटर सिस्टम्स को डैमेज कर सके, ठीक है। और फिर उस चुराए हुए डेटा के साथ वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं। अगर उनने डेटा चुराया तो किसी और को सेल कर लेते हैं, अगर डेटा डैमेज किया तो इस नीयत से कि उस पार्टी को, उस कंप्यूटर ऑपरेटिंग बंदे को कुछ नुकसान पहुँचे, ठीक है। या वो क्या करते हैं काम, ये जो डिस्ट्रॉय करते हैं कंप्यूटर्स, उनकी अपनी कुछ इविल ये जो होते हैं इविल जिसे हम कहेंगे थॉट्स होते हैं कि हम जी डिस्ट्रक्शन लाए, ठीक है। तो काफ़ी सारे इसके पीछे होते हैं मकासद के, क्यों हमें इस मालवेयर को डेवलप करना पड़ता है, इन साइबर क्रिमिनल्स के थ्रू क्यों ये डेवलप होते हैं, यानी कि ये मालवेयर क्यों डेवलप होता है। कभी कभार क्या होता है कि इसलिए डेवलप किया जाता है कि जो अटैक करना है वो इस नीयत से करना है कि उस कंपनी का या किसी कंप्यूटर यूज़र का डेटा चोरी करके किसी और को दिया जाए, क्योंकि अब डेटा खाली नॉर्मली तो नहीं होती, फाइल्स कभी कुछ इंपॉर्टेंट जो होती है सिक्योरिटी टाइप फाइल्स होती है, सिक्योर फाइल्स हमारे पास होती है, या सिक्योरिटी नेचर वाली इंफॉर्मेशंस होती है, क्योंकि हम अब खाली घरों में गेम्स खेलने के लिए या घरों में नॉर्मल ऑफिस वर्क के लिए तो नहीं रखते कंप्यूटर्स। बड़े बड़े फर्म्स होती है, एजेंसीज होती है, ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जहाँ पे काफ़ी कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है, उनको उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो उस कॉन्फिडेंशियल डेटा को, उस कॉन्फिडेंशियल कॉन्फिडेंशियल फाइल्स को, या जो काफ़ी ज़्यादा ही वैल्यूएबल फाइल्स होती है जिनमें बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन की डिटेल्स होती है, उन डिटेल्स को हमें सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये साइबर क्रिमिनल्स या जो हैकर्स जो है वो क्यों इसी नियत से वो डेवलप करते हैं इन सॉफ्टवेयर्स को, ताकि उस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को, इस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को क्या करें, वहां से चोरी कर सके उसकी, और फिर थर्ड पार्टी को बेच के पैसे कमाते हैं, ठीक है, या फिर अपने यूज में उसको जो है लाते हैं। इसी तरीके से अगर प्राइवेसी कुछ होती है किसी बंदे के पास, कुछ चीज़ों की उसके पास प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है, उसको जो है वो डिस्क्लोज कर लेते हैं इन अटैक्स के थ्रू, ठीक है। तो अब ये मालवेयर में क्या क्या चीज़ें आती है, तो मालवेयर सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें हम इंक्लूड कर सकते हैं, तो उसका है वायरस, वर्म्स, ट्रोजन वायरस, स्पाईवेयर, एडवेयर एंड रैंसमवेयर, ठीक है। इनको हम एक एक करके अब आगे पढ़ते हैं। वायरसेस आप सबको पता है, बड़े ही कॉमन टर्म है वायरस। हम कभी भी हमारा कंप्यूटर स्लो चलता है या कभी वो बार बार हैंग हो जाता है तो हम कहते हैं इसको वायरस हो गया है, ठीक है। तो वायरस एक काइंड ऑफ मालवेयर है। हम मालवेयर दैट मीन्स ग्रुप ऑफ जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स है उनको हम कलेक्टिवली मालवेयर कहते हैं, यानी कि अगर हम वायरस, वर्म्स वगैरह को कलेक्टिवली नाम देना है वो है मालवेयर, यानी कंप्यूटर के किसी भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर को हम जो है मालवेयर कह सकते हैं, ठीक है। फिर उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं वायरस। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? ये एक पीस ऑफ कोड होता है, यानी कि कोडेड इंफॉर्मेशन होती है, कोडेड डेटा होता है, जो कि एक प्रोग्राम में एम्बेड किया जाता है और वहां पे ये सेल्फ रेप्लिकेट करता है, ताकि वो उस प्रोग्राम को इन्फेक्ट करके फिर दूसरे प्रोग्राम्स में जाए। यानी जैसे हमें पता है इंसान में जैसे वायरस जाता है वहां पे वो रेप्लिकेट करता है, यानी अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाता है और पूरी बॉडी में फैल जाता है, सेम यहाँ पे भी होता है। ये वायरस क्या करता है, ये एक कोडेड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, कोडेड पीस ऑफ सॉफ्टवेयर होता है। ये क्या करता है काम, जब ये किसी प्रोग्राम के अंदर चला जाता है वहां पे ये सेल्फ रेप्लिकेशन करता है, अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाता है, ताकि वो उस प्रोग्राम को और बाकी सारे जो प्रोग्राम्स है कंप्यूटर में उनको इन्फेक्ट करे, ठीक है। कंप्यूटर वायरस जो है वो इस तरीके से बनाया गया है कि वो एक होस्ट से दूसरे होस्ट, यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में, एक फोन से दूसरे फोन में क्या है ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। ये किन के थ्रू ट्रांसफर होता है, ईमेल अटैचमेंट्स के थ्रू, फाइल डाउनलोड्स के थ्रू, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशंस के थ्रू और अनसिक्योर्ड लिंक्स के थ्रू ये ट्रांसफर होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब आप डाउनलोड करें तो पहले स्कैन करके उन डाउनलोड्स को जो है आप अपने फोन में या कंप्यूटर में डालें, या ईमेल अटैचमेंट्स जब हमारे पास स्पैम वगैरह आते हैं, स्पैम ईमेल्स आते हैं या जो भी ईमेल आते हैं, हम उन्हें पहले क्या करते हैं डाउनलोड करने से पहले, हम वहां पे आता है चेकिंग और चेकिंग फॉर वायरसेस, या आता है स्कैनिंग योर अटैचमेंट। वो क्यों होता है, सो दैट उस ईमेल में, उस अटैचमेंट में, या जो आप कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं उसमें कोई वायरस या मालवेयर ना हो, ठीक है।
तो वायरस किसके थ्रू आ सकता है? आपके कंप्यूटर में, आपके नेटवर्क में, ईमेल अटैचमेंट्स के थ्रू, डाउनलोड्स के थ्रू, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशंस के थ्रू, या अनसिक्योर्ड लिंक्स के थ्रू, जिससे हम कहते हैं कि ऐसे ही किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये जो वायरसेस है ये क्या कर सकते हैं, ये हमारे डेटा को स्टील करते हैं, यानी कि हमारे डेटा को चोरी करते हैं, जैसे पासवर्ड्स, ये हमारे, उसके बाद क्या है, उन पासवर्ड्स को वो हैकर्स यूज करके हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स में जाते हैं, या ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड्स होते हैं, या हमारा सारा डेटा ही वो वाइप ऑफ कर देते हैं। हम देखते हैं कि कभी कभार क्या हो गया होता है, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो हैक हो जाता है, या हमारे फेसबुक अकाउंट्स हैक होते हैं, तो वो किसके थ्रू, वो इन्हीं वायरसेस के थ्रू, वो हमारे पासवर्ड्स वगैरह को हैक करते हैं और फिर हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको हैक कर लेते हैं, या कभी हमारा ईमेल जो है वो हैक हो जाता है और उसका एक्सेस जो है किसी हैकर के पास चला जाता है। वो कैसे होता है, वो उसी साइबर अटैक से, वो क्या करता है, मालवेयर से या वायरस से क्या करता है वो काम, वो हमारे डेटा को, हमारे जो पासवर्ड वगैरह होते हैं उनको जो है स्टील कर लेता है। ठीक है, और उसके बाद उसको हमारे अकाउंट्स का एक्सेस मिल जाता है। हमारे पास दुनिया भर में मिलियंस ऑफ वायरसेस हैं, मगर कॉमन टाइप्स ऑफ वायरसेस जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए वो ये हैं। फाइल इन्फेक्टिंग वायरस, ठीक है, ये एक ऐसा वायरस है जो कि अटैच करता है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को, मतलब खुद को अटैच करता है एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम के साथ। इसको हम पैरासिटिक वायरस भी कहते हैं, क्योंकि ये इन्फेक्ट करता है उन फाइल्स को जिनका एक्सटेंशन होता है .exe और .com। ठीक है, कुछ फाइल इन्फेक्टर्स जो है वो ओवरराइट करते हैं होस्ट फाइल्स को, यानी कि जो हमारे पास कंप्यूटर में फाइल्स होती है उनको ओवरराइट कर देता है ये वायरस। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास फाइल्स होती है उनके ऊपर अपनी प्रोग्रामिंग चढ़ा देता है। ठीक है, या कुछ ये जो फाइल इन्फेक्टिंग वायरसेस होते हैं ये डैमेज कर देते हैं हमारे हार्ड ड्राइव्स को, उनको, उनकी फॉर्मेटिंग को जो है डैमेज कर देते हैं, तो ये ज़्यादा अटैक करता है फाइल्स को, इस वजह से इसका नाम है फाइल इन्फेक्टिंग वायरस। ठीक है, मैक्रो वायरस, मैक्रो वायरस जो है वो कॉमनली हमें कहाँ मिलता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या एक्सेल में ये मिलता है। ठीक है, ये यूजुअली स्टोर होता है एज अ पार्ट ऑफ ए डॉक्यूमेंट, और ये तब स्प्रेड होता है जब हम फाइल्स को ट्रांसमिट करते हैं दूसरे कंप्यूटर्स में, ऑफन थ्रू ईमेल अटैचमेंट्स के जरिए। ठीक है, ब्राउजर हाईजैकर, ये भी एक टाइप का वायरस है। ये वायरस टारगेट करता है, या हम बोलेंगे अल्टर करता है हमारी ब्राउजर सेटिंग को। हमारी ब्राउजर्स में जो सेटिंग होती है ना, ब्राउज करते हैं जो जब हम अपने किसी सर्च इंजन में जाते हैं, चाहे क्रोम में जाए, चाहे फायरफॉक्स में जाए, वहाँ पे हमने कुछ ब्राउजिंग सेटिंग करके रखी होती है, तो ये जो ब्राउजर हाईजैकर है ये उस ब्राउजर सेटिंग को जो है वो अल्टर कर देता है। ठीक है, इसको हम रिडायरेक्ट वायरस भी कहते हैं, बिकॉज ये रिडायरेक्ट करता है हमारे ब्राउजर को तो अदर मैलिशियस वेबसाइट्स। हम कभी किसी साइट पे क्लिक करते हैं और ऑटोमेटिकली हमें जब कुछ डाउनलोड करना होता है हम किसी और साइट पे ही लैंड कर जाते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे हमें बड़ा कॉन्शियस मतलब रहना है कि ये कहीं वायरस ना हो, ब्राउजर हाईजैकर ना हो, क्योंकि हम एक साइट से ऑटोमेटिकली दूसरी किसी अनजान साइट पे चले जाते हैं। ठीक है, और वहाँ पे हमें आता है कि ये पहले डाउनलोड कीजिए, इस लिंक पे जाइए, तो वो क्या होता है, वो यही हाईजैकर अटैक्स होते हैं तब। वेब स्क्रिप्टिंग वायरस, ये एक स्नीकी वायरस है जो टारगेट करता है पॉपुलर वेबसाइट्स को। ठीक है, ये करता क्या है, ये ओवरराइट करता है एक कोड वेबसाइट पे, अपनी लिंक्स वहां पे इंस्टॉल करता है और उन लिंक्स के थ्रू वहां पे मैलिशियस सॉफ्टवेयर को जो है वहां के थ्रू हमारे डिवाइस पे इंस्टॉल कर देता है। ठीक है, बूट सेक्टर वायरस, बूट सेक्टर वायरस जो है बड़े ही कॉमन थे जब फ्लॉपी डिस्क वगैरह जो है यूज की जाती थी। आज भी ये मिलते हैं हमें कहाँ पे, फिजिकल मीडिया में, जब एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स या यूएसबी वगैरह हम यूज करते हैं तब हमें ये मिलते हैं। पॉलीमॉर्फिक वायरस, ये वायरस की एक कैपेबिलिटी है कि ये चेंज करता रहता है अपने आप को, अपने कोड्स को, एवरी टाइम जब एक इन्फेक्टेड फाइल को हम परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हमने, हमारे पास एक इन्फेक्टेड फाइल है, आ गई है किसी तरीके से, डाउनलोड से आई है, यूएसबी के थ्रू आई है या ईमेल के थ्रू आई है, जब भी हम इसको ओपन करते हैं ये अपने आप को, अपनी कोडिंग को चेंज करता रहता है, ये अपनी कोडिंग को चेंज करता रहता है एवरी टाइम जब भी इंजेक्टेड फाइल को परफॉर्म करते हैं, यानी कि जो भी हम जिस फाइल में ये ऑलरेडी आया होता है उसको जब हम ओपन करते हैं तो ये अपनी कोडिंग को चेंज करता रहता है। ठीक है,
सो दैट, ये क्यों चेंज करता रहता है, सो दैट जो हम एंटीवायरस इस पे जो है डाल रहे हैं इसके, इसको कैच करने के लिए, इसको जो है रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, उससे ये इवेड हो जाए, इससे खुद को ये बचाए, इसीलिए ये प्रॉपर्टीज को खुद की चेंज करता रहता है, ठीक है। रेजिडेंट वायरस, रेजिडेंट वायरस जो है वो अपने आप को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करके रखता है, ठीक है। और ये इसकी वजह से क्या होता है, जब मेमोरी में स्टोर होता है तो जो भी हम फाइल्स अपने कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करते हैं उनको ये इन्फेक्ट कर देता है, ठीक है। ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी इंटरफियर करता है और उस वजह से हमारे प्रोग्राम की करप्शन कर लेता है, ठीक। मल्टीपार्टाइट वायरस, ये एक ऐसा वायरस है जो काफ़ी इन्फेक्शस है और ईजिली स्प्रेड होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स पे। इसको मल्टीपार्टाइट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम को जो है इन्फेक्ट कर लेता है, जैसे मेमोरीज को, फाइल्स को, बूट सेक्टर वगैरह को, इस वजह से ये काफ़ी ही डिफिकल्ट हो जाता है कंटेन करना भी, यानी इसको रोकना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। नेटवर्क वायरस, नाम से ही पता चलता है ये एक ऐसा वायरस है जो नेटवर्क कनेक्शंस के थ्रू चलता है, उसी के थ्रू रेप्लिकेट होता है। ओवरराइट वायरस, जैसे नाम से पता चलता है ये फाइल्स को ओवरराइट करता है और पूरे कंटेंट को इन्फेक्ट कर देता है, ठीक है। कैविटी वायरस, इसे हम स्पेस फिलर वायरस भी कहते हैं, ये एक रियर टाइप ऑफ वायरस है जो कि कहाँ जाता है, कैसे इन्फेक्ट करता है फाइल्स को, ये एम्प्टी स्पेसेस में जो है चला जाता है, जो कि इसमें क्या कहते हैं इसको, इन्फेक्टेड फाइल्स में एम्प्टी स्पेसेस आ जाती है, उनमें जो है ये रहता है। पहले फाइल्स को, जो भी इन्फेक्टेड फाइल्स हमारी होती है उनमें जो एम्प्टी स्पेसेस बन जाती है ड्यू टू इन्फेक्शन, उनमें जो है खुद को ये कंटेन करता है। साइबर क्रिमिनल्स जो है इसको यूज़ करते हैं इस कैविटी वायरस को, वायरस को छुपाने के लिए, क्योंकि जो फाइल्स में स्पेसेस बन जाती है थ्रू इन्फेक्शन ऑफ वायरस, ये मतलब देखिए ऐसे समझाती हूँ, फाइल्स इन्फेक्ट हो गई, जैसे वंस फाइल इन्फेक्ट हो गई उसमें स्पेसेस बन जाती है, मतलब उसकी प्रोग्रामिंग में, तो वहाँ पे उन स्पेसेस में ये वायरस जो है ये खुद को जो है अटैच कर लेता है और खुद को वहाँ पे कंसील कर लेता है, जो उसकी वजह से क्या होता है, फाइल का साइज भी ऑल्टर नहीं होता और पता भी नहीं चलता है कि इस फाइल में जो है वायरस है या नहीं है, ठीक है। इस कैविटी वायरस को इसलिए यूज किया जाता है ताकि डिस्ट्रॉय या स्टील करे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को, ठीक है। प्रोग्राम वायरस, प्रोग्राम वायरस कब आ जाता है, जब एक प्रोग्राम को इंस्टॉल और एग्जीक्यूट किया जाता है ये वायरस लॉन्च हो जाता है उसमें, ठीक है। प्रोग्राम वायरस फिजिकल मीडिया के थ्रू, जैसे सीडी हो, ईमेल अटैचमेंट्स वगैरह हो, उनके थ्रू ये स्प्रेड होता है, ठीक है। ये खुद को कंसील करते हैं, किस तरीके से, ये खुद को प्रिटेंड करवाते हैं कि ये एक यूजफुल प्रोग्राम है और जब उस प्रोग्राम को ओपन किया जाता है ये एग्जीक्यूट कर लेते हैं खुद को, ठीक है। इनको हम फ्रीक्वेंटली ट्रोजन हॉर्स वायरसेस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनमें ये एबिलिटी है कि ये खुद को कंसील करे किससे, अनसस्पेक्टिंग विक्टम से, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स वायरस जो है ये एक टाइप का ऐसा मालवेयर है कि जब ये कंप्यूटर पे किसी भी तरीके से आ जाता है ये ऐसा दिखाता है कि एक लेजिटिमेट प्रोग्राम है, ये एक लीगल प्रोग्राम है कोई, इस वजह से इसको जो है ट्रोजन हॉर्स वायरस के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ वायरसेस, अभी हमने टाइप्स ऑफ वायरसेस देखी कि किस किस टाइप्स के होते हैं, अब एग्जाम्पल्स यानी कि नाम इनको दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें वर्म आता है, आई लव यू आता है, एसक्यूएल स्लैमर आता है, स्टक्सनेट आता है, क्रिप्टो लॉकर आता है, वेल्शिया आता है, श्लेयर आता है, ठीक है। और बाकी कुछ और नोटेबल वायरसेस जो है वो ये है, माई मेल, या हासमैन, स्टॉमवर्म, टेनाटोज, बगबियर, सिरकैम, ये सारे जो है ये जो यहाँ पे दिए गए हैं ये नाम जो है ये बाकी वायरसेस के नाम है। मैं फिर से बताती हूँ, ये जो हमने पढ़े ये टाइप्स ऑफ वायरसेस है, ठीक है, किस किस तरीके के वायरस होते हैं, ठीक है, जिसे हम कहेंगे काइंड्स भी कह सकते हैं, और ये इनकी एग्जाम्पल्स है यहाँ पे, ठीक है, ये इन सब की एग्जाम्पल्स है, ये वाले जो यहाँ पे नाम दिए गए हैं, जैसे वर्म है, आई लव यू है, एसक्यूएल स्लैमर है, ये सारे जो है ये इनके टिम्बा वगैरह ये सब नाम है, ये ना एग्जाम्पल्स है वायरसेस के, समझ आई बात। उसके बाद अब हम वायरसेस तो पढ़ लिया, अब हम देखते हैं एंटीवायरस क्या होता है। एंटीवायरस एक टाइप ऑफ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं किस लिए,
कि वायरस को, मालवेयर को, वर्म्स को, ट्रोजन हॉर्सेस को, स्पाईवेयर को, जो भी है, जितने टाइप्स के मालवेयर हैं, उनको डिटेक्ट करें, डिलीट करें और उनको होने से प्रिवेंट करें। यानी कि एंटीवायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि जितने भी टाइप ऑफ मालवेयर है उनके अटैक से कंप्यूटर को बचाता है, उनके अटैक से नेटवर्क को बचाता है, चाहे वो वायरस हो, वर्म हो, ट्रोजन हॉर्स हो, स्पाईवेयर हो या जितने सारे भी हमने मालवेयर्स के नाम पढ़े, उनको जो है, जो भी है, उनसे ये कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, आजकल जो एंटीवायरसेस है उसमें कस्टमाइजेबल फायरवॉल्स भी आती हैं, वेबसाइट ब्लॉकिंग सिस्टम, उसमें वो ऑप्शंस भी आते हैं। ठीक है, वंस हमने इस एंटीवायरस को इंस्टॉल किया, ये एंटीवायरसेस ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में चलते रहते हैं और ये रियल टाइम प्रोटेक्शन देते हैं अगेंस्ट वायरस अटैक्स, यानी कि ये बैकग्राउंड में खुद ही चल रहे होते हैं, हमें इनको बार बार ओपन करने की जरूरत नहीं, ऑल्दो हम स्कैन कर सकते हैं लेकिन ये बैकग्राउंड में खुद ही चल रहे होते हैं। और जैसे हम कभी कोई अटैचमेंट डाउनलोड करते हैं, कभी कोई फाइल डाउनलोड करते हैं या कभी कोई मैलिशियस लिंक पे चले जाते हैं, ये ऑटोमेटिकली उस टाइम पे उसे ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, एंटीवायरस प्रोग्राम्स जो है उसने इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि वो डेटा को खुद ही इवैल्यूएट करे, वेब पेज, फाइल, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस वगैरह को खुद ही इवैल्यूएट करे और अगर कोई मैलवेयर वहाँ पे जो है, अगर कोई मैलवेयर वहाँ पे मिलता है तो उसे क्विकली इरेडिकेट करे। ठीक है, वहाँ पे ये क्या करते हैं काम, ये जो एंटीवायरसेस होते हैं ये स्कैन करते रहते हैं कंप्यूटर्स को, स्कैन करते रहते हैं फाइल्स को। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे जो थ्रेट्स होते हैं उनको जो है उस वजह से फिर डिटेक्ट कर लेते हैं। और एक और चीज़ है, इनमें रियल टाइम प्रोटेक्शन है। रियल टाइम प्रोटेक्शन का मतलब क्या है कि ये ऑटोमेटिक अपडेट्स प्रोवाइड करते रहते हैं, सो दैट जो भी वायरसेस में अपडेशंस हो रही है यहाँ से इनमें भी खुद ही खुद जो है अपडेशन होती रहती है, ताकि वो जो नए नए वायरसेस हैं उसको साथ ही साथ यहाँ से काउंटरैक्ट कर सके। ठीक है, नाउ एंटीवायरस काम कैसे करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया वो चेक करते हैं हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स को, फाइल्स को, अपने डेटाबेस के थ्रू, किसके लिए, कि कोई मालवेयर ना हो, कि कोई वहाँ पे वायरस ना हो, कोई वर्म तो नहीं है वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि नए नए वायरसेस कंटिन्यूसली क्रिएट होते रहते हैं, हैकर्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं, तो ये जो एंटीवायरसेस हैं ये कंटिन्यूसली स्कैन करते रहते हैं कंप्यूटर्स को, ताकि वहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी जो है नए और अननोन मालवेयर की हो वो वहाँ पे ना अराइज हो जाए, और अगर अराइज होती है तो उसको वहाँ पे डिटेक्ट करके इरेडिकेट करें। ठीक है, टिपिकली जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो तीन टाइप्स के डिफरेंट डिटेक्शन डिवाइसेस को यूज़ करते हैं, यानी कि ये जो एंटीवायरसेस होते हैं तीन तरीकों से जो है ये तीन तरीकों से डिटेक्शन करते हैं। नंबर वन, स्पेसिफिक डिटेक्शन, यानी एंटीवायरसेस किस तरीके से डिटेक्शन करते हैं मालवेयर्स की या वायरसेस की। नंबर वन, स्पेसिफिक डिटेक्शन। स्पेसिफिक डिटेक्शन मतलब वो वहाँ पे आइडेंटिफाई करता है सिर्फ मालवेयर को। ठीक है, जेनेरिक डिटेक्शन। जेनेरिक डिटेक्शन में क्या आता है, वो नोन पार्ट्स और टाइप्स ऑफ मालवेयर और पैटर्न्स जो कि कॉमन डेटा कोड बेस से रिलेट होते हैं उनको जो है डिटेक्ट करता है, ढूंढता रहता है जेनेरिक डिटेक्शन में। ठीक है, यानी नोन पार्ट्स और टाइप्स ऑफ मालवेयर और पैटर्न्स, नोन पैटर्न्स ऑफ मालवेयर जो कि रिलेटेड होते हैं कॉमन कोड बेस के, उनको जो है कंटिन्यूसली लुक फॉर करता है और उसको डिटेक्ट करता है जेनेरिक डिटेक्शन के थ्रू। ह्यूरिस्टिक डिटेक्शन, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे स्कैन करता रहता है ये एंटीवायरस फॉर अननोन वायरसेस बाय आइडेंटिफाइंग सस्पिशियस फाइल स्ट्रक्चर्स। ये वहाँ पे क्या करता है, वायरसेस को किस तरीके से ये या मालवेयर को किस तरीके से डिटेक्ट करता है कि वो फाइल स्ट्रक्चर्स अगर उसको सस्पिशियस लगता है उसको जो है वो आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, जब इस एंटीवायरस को ये पता चलता है या इसको मिल जाता है, एक ऐसी फाइल मिल जाती है, एक ऐसा प्रोग्राम मिल जाता है जिसमें वायरस है, ये उसको क्वारंटीन करता है और उसको मार्क करता है फॉर
डिलीशन, अगर आपने देखा होगा जब हम स्कैन करते हैं कंप्यूटर को तो वहाँ पे हमें निकल आती है कि इतनी फाइल्स जो है ये जो है इन्फेक्टेड है, इनको जो है हमें डिलीट करना है ना। तो यहाँ पे भी क्या होता है, ये वही मैं बता रही हूँ कि जब एक प्रोग्राम, प्रोग्राम मीन्स एंटीवायरस, जब किसी फाइल को जो कि वायरस से इन्फेक्ट हुई होती है उसको कंटेन करता है, तो यूजुअली उसको क्वारंटीन करता है, यानी उसको ब्लॉक कर देता है, उसको बंद कर देता है और फिर उसको जो है मार्क कर देता है डिलीशन के लिए, या खुद ही उसको डिलीट कर देता है ताकि वो फिर एक्सेसिबल ना हो डिवाइस पे और वो डिवाइस से रिमूव हो जाए। ठीक है। नाउ दूसरा मालवेयर जो है वो है वर्म। वर्म क्या होती है? वर्म टारगेट्स वल्नरेबिलिटीज इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स टू इंस्टॉल देमसेल्व्स इनटू नेटवर्क्स। वर्म्स एक ऐसा मालवेयर है जो कि टारगेट करता है वल्नरेबिलिटीज को ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, ताकि वो नेटवर्क्स में खुद को इंस्टॉल करे। जहां पे उसको ऑपरेटिंग सिस्टम में वल्नरेबिलिटी दिखती है वहां पे वो खुद को इंस्टॉल कर देता है। ठीक है। वो काफी तरीकों से एक्सेस गेन करते हैं, बैकडोर बिल्ट इन सॉफ्टवेयर से, अनइंटेंशनल सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी से, या फ्लैश ड्राइव्स के थ्रू वो एक्सेस जो है वो गेन कर लेते हैं। ठीक है। वंस वर्म एंटर हो गया, वो क्या करते हैं, वो मैलिशियस एक्टर्स को, मैलिशियस एक्टर्स मीन्स जो भी उनके इन्फेक्शंस होते हैं, जो भी उनके डेंजरस अटैक्स होते हैं, उनको लॉन्च कर देते हैं ताकि वो अटैक करे, स्टील करे डेटा को, या वहाँ पे जो है डेटा को डैमेज करे, या रैंसमवेयर अटैक करे। रैंसमवेयर अटैक क्या होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। वर्म्स की एग्जाम्पल्स है स्टक्सनेट। ठीक है। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊं कि आप बोलेंगे कि अब वायरस और वर्म में क्या फर्क रहा? वायरस भी एक प्रोग्राम है जो कि अटैक करता है, डेटा को स्टील करता है, डैमेज करता है। वर्म भी वही बताया कि जो कि वल्नरेबिलिटीज के थ्रू जो है वो आ जाता है अटैक करने के लिए। लेकिन यहां पे ये है कि वायरस जो है उसको प्रोग्राम चाहिए होता है, खुद को वो उसमें पहले डाल देता है, उसको इन्फेक्ट करता है, फिर वहां पे रेप्लिकेशन करके बाकी प्रोग्राम्स को इन्फेक्ट करता है। ठीक है। उसको दूसरा प्रोग्राम चाहिए होता है पहले, जैसे वर्ड, जैसे वेब ब्राउजर। लेकिन वर्म जो है वो सेल्फ कंटेन्ड है, उसको कोई दूसरा प्रोग्राम नहीं चाहिए होता है अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए। वो खुद ही रन कॉपी वगैरह जो है कर लेता है ऑन इट्स ओन। ठीक है। यानी मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया वर्म क्या है। वर्म भी एक मालवेयर है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स में जो है आ जाता है थ्रू वल्नरेबिलिटीज को टारगेट करके। ठीक है। या फ्लैश ड्राइव्स के थ्रू भी आता है, या इनबिल्ट बैकडोर, सॉरी जो बैकडोर बिल्ट इनटू सॉफ्टवेयर होते हैं उनके थ्रू आ जाता है। लेकिन है तो ये वायरस की तरह ही ना, ये भी तो अटैक ही कर रहा है ना, ये भी तो स्टील कर रहा है ना सेंसिटिव डेटा को, ये भी तो अटैक्स ही कंडक्ट कर रहा है ना। अब फर्क क्या रही फिर वर्म और वायरस में? वायरस को एक प्रोग्राम चाहिए होता है जिसमें पहले उसे खुद घुसना पड़ता है, वहां पे रेप्लिकेशन करता है। वायरस वर्म को ऐसा कुछ नहीं चाहिए होता है, वो सेल्फ सफिशिएंट होती है, खुद ही वो सब कुछ कर लेती है। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द डेंजरस कंप्यूटर वायरसेस जो है वो एक्चुअली वर्म्स होती है, यानी कि जो खतरनाक वाले वायरसेस होते हैं जिन्हें हम, हमें लगता है कि ये खतरनाक वायरस है, वो एक्चुअली फिर वर्म्स ही होती है, क्योंकि वर्म को जो है कोई दूसरा प्रोग्राम नहीं चाहिए होता है कंप्यूटर में पहले इन्फेक्ट करने को। ये सेल्फ सफिशिएंट होती है, ये खुद ही जो है सेल्फ कंटेन्ड होती है और खुद ही जो है ये अटैक कर लेती है। ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट दीज कंप्यूटर वायरसेस। आप किस तरीके से हम कंप्यूटर वायरसेस से जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर्स को? अगर एक वायरस को छोड़ दिया, ट्रीट नहीं किया, तो वो हैवॉक जो है आपके डिवाइस पे डाल सकता है, आपका डिवाइस जो है डैमेज हो सकता है, आपके डेटा जो है वो डैमेज हो सकते हैं, डेटा फाइल्स जो है आपके पास वो खराब हो सकती है, डैमेज हो सकती है, या इवन स्टील भी हो सकती है। ठीक है। तो हमें करना क्या है? अवॉइड क्लिकिंग ऑन सस्पिशियस लिंक्स। जो सस्पिशियस लिंक्स, अगर आपको कोई लगती है कि ये चीज़ जो है ये सस्पिशियस है, ये लिंक ठीक नहीं है, या आप ऑटोमेटिकली अपने पेज से किसी दूसरे पेज पे लैंड कर लेते हो, तो वहाँ पे आप क्लिक्स मत किया करो।
ईमेल अटैचमेंट्स को स्कैन करो बिफोर ओपनिंग दैम। वो ऑटोमेटिकली आजकल हो जाता है, वो कैसे होता है क्योंकि जो है इनबिल्ट एंटीवायरसेस होते हैं आजकल। पॉपअप एडवर्टीजमेंट्स पे क्लिक मत कीजिए, पॉपअप ब्लॉकर को जो है एक्टिवेट कीजिए। अगर आपको दूसरी वेबसाइट पे रूट ऑन किया जाता है तो वहाँ पे कुछ भी मत कीजिए, इमिजिएटली उस साइट को छोड़ दीजिए। ये बहुत बार हमारे साथ होता है कि हम किसी साइट पे होते हैं और हम ऑटोमेटिकली दूसरी साइट पे लैंड अप कर देते हैं, तो वहाँ पे हमें उस दूसरी साइट पे कोई क्लिक नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। और एंटीवायरस प्रोग्राम जो एक रिलायबल एंटीवायरस हो, जिसपे वो जो ट्रस्टफुल हो, ट्रस्टवर्दी एंटीवायरस हो, उसको हमें जो है इंस्टॉल कर लेना चाहिए अपने कंप्यूटर में और उसे जो है अप टू डेट हमें रखना चाहिए, यानी बार बार उसको अपडेट करते रहना चाहिए। ऑटोमेटिकली वो अपडेट होते रहते हैं, लेकिन खुद भी हमें अपडेट्स उसमें देखने चाहिए। तो इसके थ्रू हम जो है अपने कंप्यूटर्स को इन वायरसेस से, इन वर्म्स वगैरह से बचा सकते हैं। ठीक है, कॉमनली यूज्ड एंटीवायरसेस कौन से हैं? मैंने आपको बताया एंटीवायरस क्या है, एंटीवायरस किस तरीके से काम करते हैं, एंटीवायरस की डिटेक्शन क्या है, तीन टाइप्स की है, वो भी बताया। तो उसके बाद मैंने आपको बताया किस तरीके से आप वायरसेस से जो है अपने कंप्यूटर को बचा सकते हैं। और अब हम कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ एंटीवायरस यानी नाम जानते हैं एंटीवायरसेस का, जो कि एग्जाम में भी आते हैं कि गिव नेम्स ऑफ फाइव एंटीवायरसेस वगैरह, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। बिट डिफेंडर, अवीरा, एवीजी, मैकफी, मालवियर बाइट्स, अवास्ट, एफ्सक्योर, जी डेटा, ट्रेंड माइक्रो, ईएसईटी या ईसेट, नॉर्टन, कैस्परस्की, कमोडो, ये कुछ इंपॉर्टेंट और कॉमनली यूज्ड एंटीवायरसेस है जिन्हें हमें अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करके रखना चाहिए सो दैट हमारा कंप्यूटर जो है वो सिक्योर रहे। ठीक है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स, इनकी बेनिफिट्स क्या है, मुझे ये बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। एंटीवायरस सॉल्यूशन जो है या एंटीवायरसेस जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे लैपटॉप्स को, ऑफिस कंप्यूटर्स को, सॉफ्टवेयर्स को, टैबलेट्स को, किससे, मैलिशियस अटैक्स से, मालवेयर से, डिस्ट्रक्शन बाय मालवेयर से। ठीक है, जो मॉडर्न एंटीवायरसेस हैं वो क्या करते हैं काम, वो डिटेक्ट करते हैं, ब्लॉक करते हैं, रिमूव करते हैं वायरसेस को, मालवेयर्स को, रैनसमवेयर को। ठीक है, वो प्रिवेंट करते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट को और ब्लॉक करते हैं फिशिंग एंड फ्रॉड को। वार्निंग देते हैं हमें डेंजरस वेबसाइट्स और लिंक्स के रिगार्डिंग, अगर हम उन पे बाय डिफॉल्ट या गलती से चले जाते हैं, उनको ओपन करने से पहले हमें जो है ये एंटीवायरसेस वार्न कर लेते हैं, यानी कि ये बेनिफिट है। अगर हमने एंटीवायरस इंस्टॉल किया, जैसे हम किसी मैलिशियस साइट पे चले जाते हैं, मैलिशियस लिंक पे चले जाते हैं, मालवेयर हमारे पास कोई आ जाता है, हम उस पे क्लिक करने वाले होते हैं, मालवेयर सॉफ्टवेयर कोई आ जाता है, तो ये हमें पहले जो है वार्न करते हैं कि ये जो है ये सही नहीं है, ये जो है ये एक मालवेयर हो सकता है, उसके रिगार्डिंग हमें ये बोलते रहते हैं। यानी कि वहाँ पे एक विंडो आ जाती है, पॉपअप जो है शो हो जाता है, हमें जो है वो वार्निंग्स देते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये स्कैन करता है डार्क वेब को, अगर कोई ईमेल जो है वो कंप्रोमाइज हो गया होता है, या कोई, यानी कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा ईमेल आ जाता है जो कंप्रोमाइज्ड हो, दैट मीन्स जिसमें कोई मालवेयर हो, उसको भी स्कैन करते हैं। ठीक है, हमारे जो ऑनलाइन अकाउंट्स है जिसमें हमें पासवर्ड्स की ज़रूरत होती है, उनको ये प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक, हमें क्या करना चाहिए, अपनी फैमिली को या जो हमारे जो है मतलब कोलीग्स वगैरह, उनको बार बार हमें ये बोलने रहना चाहिए कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करो सो दैट हमारा जो सिस्टम है वो प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, और हमेशा जो है जब हमारा कंप्यूटर जो है वो यूज़ में ना हो तो हमें उसे टर्न ऑफ करना चाहिए। ठीक है, और हमारे कंप्यूटर को कंटिन्यूसली ट्यूनिंग देनी चाहिए, यानी कि उसे अपडेशन, अपग्रेडेशन वगैरह जो है, उसे बार बार अपडेट्स वगैरह जो है वो देने चाहिए, साथ साथ हमारे सभी जो भी सॉफ्टवेयर्स आते हैं, सो दैट हमारा जो है कंप्यूटर जो है वो ट्यून अप रहे। तो ये कुछ बेनिफिट्स है किसके, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के। क्या क्या हमने देखे कि इससे हमारे जो लैपटॉप से प्रोटेक्टेड रहते हैं, डेस्कटॉप्स वगैरह, फ़ोन्स वगैरह प्रोटेक्टेड रहते हैं, और उनकी प्रोटेक्शन से हमारी जो प्रीशियस चीज़ें होती है, फोटोज, लाइब्रेरीज, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, वो प्रोटेक्टेड रहते हैं फ्रॉम मालवेयर डिस्ट्रक्शन से। और इसी तरीके से हमने देखा कि एंटीवायरस से क्या होता है, वो जैसे हम किसी मैलिशियस साइट पे, लिंक पे क्लिक करने वाले होते, हमें पहले वार्निंग आती है वहाँ से कि ये ऐसी चीज़ें, इस पे आप क्लिक करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। एंटीवायरस से हमें जो है आइडेंटिटी थेफ्ट से बचाया जा सकता है, फिशिंग को ब्लॉक किया जा सकता है, फ्रॉड को रोका जा सकता है। ठीक है,
ईमेल्स अगर कॉम्प्रोमाइज्ड है उनके जो है अटैक्स में फंसने से हमें बचाया जा सकता है, ठीक है। हमारे जो ऑनलाइन अकाउंट्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं इसकी वजह से, एंटीवायरस की वजह से, ठीक। नाउ तीसरा मालवेयर कौन सा है? ट्रोजन। मैंने आपको थोड़ा अभी बताया ट्रोजन के बारे में कि ये कैसा है, ये क्या होता है। ट्रोजन जो है, जैसे मैंने आपको बताया, ये खुद को रिप्रेजेंट करता है एज डिज़ायरेबल सॉफ्टवेयर और कोड। यानी कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि ट्रोजन हॉर्स या ट्रोजन जो है ये एक ऐसा मालवेयर है जो खुद को प्रिटेंड करवाता है कि ये लीगल है, लेजिटिमेट है या डिज़ायरेबल प्रोग्राम है, यानी कि ये कारामत प्रोग्राम है, ये हमें चाहिए। और उस वजह से जैसे हम इसको जो है इंस्टॉल कर लेते हैं, इस पर जो है क्लिक कर लेते हैं, ये रन कर देता है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये कंप्यूटर का पूरा कंट्रोल ले लेता है और अपने मैलिशियस पर्पस को जो है ये फुलफिल कर लेता है। ट्रोजन्स जो है ये हाइड होते हैं गेम्स में, एप्स में, सॉफ्टवेयर पैचेस में, या अटैचमेंट्स जो होती है ईमेल्स में, इंक्लूडिंग फिशिंग ईमेल्स, उनमें जो है ये आ जाता है, ठीक है। तो इसमें और वायरस में क्या फ़र्क है? इसमें वायरस और वर्म में, वर्म मैंने आपको बता दिया, वो एक ऐसा प्रोग्राम है जो तो अटैक ही करता है, वो खुद को डिसग्यूज नहीं करता एज डिज़ायरेबल कोड। वायरस भी नहीं करता है डिसग्यूज एज डिज़ायरेबल कोड, यानी कि वो वायरस और वर्म जो है वो खुद को ऐसे प्रिटेंड नहीं करवाती है कि वो कारामद है हमारे लिए। लेकिन ट्रोजन जो है एक ऐसा मालवेयर है जो कि खुद को ऐसे प्रिटेंड करवाता है कि मैं एक डिज़ायरेबल, एक कारामद सॉफ्टवेयर हूँ, ठीक है। तो ये ऐसा मालवेयर है। उसके बाद स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या है? ये एक ऐसा मालवेयर है, एक ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो कि डिज़ाइन किया गया होता है हमारे कंप्यूटर डिवाइसेस में जाने के लिए, वहाँ से हमारे रिगार्डिंग डेटा को कलेक्ट करने के लिए और फिर उसको थर्ड पार्टी को सेंड करने के लिए विदाउट कंसेंट। उन्हें बोलते हैं स्पाईवेयर। यानी कि मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, मैंने कोई साइट जिसपे मैं कोई एडवर्टीजमेंट्स वगैरह दो चार देख लेती हूँ, कोई प्रोडक्ट मैं सर्च कर रही हूँ, ठीक है। मैंने कोई प्रोडक्ट जो है सर्च कर लिया दो तीन साइट से, फिर अगर आपको पता होगा कि ऑटोमेटिकली आपके पास उसी रिगार्डिंग जो है कुछ और जो भी जिसे हम कहेंगे एड्स आते रहते हैं, ईमेल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, वो कैसे हो जाता है? वो इन स्पाईवेयर्स के थ्रू हो जाता है। स्पाईवेयर्स क्या करते हैं काम? ये हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको ये चुराते हैं। हमने जो भी प्राइवेसी में जो भी हमने कोई सर्च किया होगा, कोई साइट देखी होगी, कोई डेटा हमारा जो वहाँ पे होगा उसको ये सारा का सारा जो है वो गैदर कर लेता है और थर्ड पार्टी को दे देता है कि इस बंदे की ये चीज़ें जो है वो इसको चाहिए होती है, ये इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है। समझ आई आपको बात? तो मैलिशियस स्पाईवेयर जो है ये क्यों, ये जो ये स्पाईवेयर है ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है? ताकि थर्ड पार्टी को जो है वो उस स्टोलन डेटा से क्या हो जाए, फ़ायदा मिले। मैं आपको फिर से समझाती हूँ कि एक क्या करते हैं काम, ये बनाते हैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपके फ़ोन पे जो भी आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको मॉनिटर करते हैं, या आपके लैपटॉप पे जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, आप कौन सी साइट्स को, कौन से प्रोडक्ट्स को सर्च कर रहे हैं, कौन से चीज़ों में आप ज़्यादा जो है इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उस डेटा को ये जो है कलेक्ट करती है आपके रिगार्डिंग और फिर थर्ड पार्टी को भेज देती है और फिर वो उसी रिगार्डिंग आपको मेल्स, एडवर्टीजमेंट्स, ऑफर्स वगैरह भेजते हैं, ठीक है। ये हमारी डेली यूज़र जो हमारी डेली एक्टिविटीज़ होती है ना, उनको डेली जो डिवाइस की परफॉर्मेंस होती है उसको मॉनिटर करती रहती है, ठीक है। नाउ स्पाईवेयर जो है इसको फोर टाइप्स में जो है डिवाइड किया गया है, एडवेयर, सिस्टम मॉनिटर, ट्रैकिंग इंक्लूडिंग वेब ट्रैकिंग एंड ट्रोजन्स। नाउ जो भी स्पाईवेयर के थ्रू डेटा कॉम्प्रोमाइज़ होता है, यानी चोरी होती है डेटा की स्पाईवेयर्स के थ्रू, वो लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं, अकाउंट पिन्स हैं, क्रेडिट कार्ड नंबर्स हैं, मॉनिटर्ड कीबोर्ड स्ट्रोक्स है, ट्रैक्ड ब्राउजिंग हैबिट्स है, हार्वेस्टेड ईमेल एड्रेसेस है, ठीक है। और ये स्पाईवेयर के थ्रू ये चीज़ें जो है चोरी होती है, ठीक। उसके बाद एडवेयर। एडवेयर जो है
ये एक यूजर की उन सर्फिंग एक्टिविटीज को, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं जो कोई चीज नेट पे ब्राउज करती रहती हूँ, तो स्पाईवेयर क्या करता है काम, उस एक्टिविटी को वो मॉनिटर करता है, ठीक है। तो स्पाईवेयर का वो काइंड, जैसे मैंने भी बताया फोर टाइप्स है, स्पाईवेयर का वो टाइप जो कि मेरी उस चीज को या सर्फिंग एक्टिविटी को जो है मॉनिटर करता है, उस टाइप ऑफ स्पाईवेयर को हम कहते हैं एडवेयर। यानी कि ये फिर क्या करते हैं काम, जो भी हमारी प्राइवेसी होती है, यूजर प्राइवेसी होती है रिगार्डिंग जो मैंने सर्फ किया होता है नेट पे, उसको जो है ये कैप्चर करते हैं और फिर क्या करते हैं काम, फिर थर्ड पार्टी को बेच देते हैं ताकि वो जो है उसी रिगार्डिंग हमें जो है वहाँ से एडवर्टीजमेंट्स, ईमेल्स वगैरह बेच दे। स्पाईवेयर जो है मैंने आपको बताया कि वैसे काम करता है, लेकिन स्पाईवेयर का ये जो पर्टिकुलर टाइप जो हम यूजुअली हम देखते हैं वो होता है एडवेयर एक्चुअली, लेकिन ये असल में किसका टाइप है, स्पाईवेयर का। तो स्पाईवेयर के थ्रू जो स्पाईवेयर का जो ये एडवेयर पोर्शन है ये देखता है कि कौन से एड्स हमें सर्व करने हैं कौन से नहीं। अगर आप फॉर एग्जांपल कोई शैम्पू जो है वो सर्च करते हैं तो उस फिर आप देखते हैं कि आपको सिर्फ शैम्पू के एड्स आते रहते हैं, वो कैसे आते हैं, वो इन्हीं स्पाईवेयर के थ्रू आते हैं। तो पर्टिकुलरली जो एड को वहां पर यानी एडवर्टीजमेंट्स को रिलेट करता है वो वाला स्पाईवेयर, उसको हम बोलते हैं एडवेयर, ठीक है। उसके बाद रैनसमवेयर, रैनसमवेयर क्या होता है, ये एक टाइप का मालवेयर है जो क्या करता है काम, जैसे मैं कंप्यूटर पे काम कर रही हूँ, अचानक से मेरा एक्सेस जो है वो डिनाई होता है कंप्यूटर पे काम करने से, मेरा कंप्यूटर मान नहीं रहा है काम करने को, मैं कोई फाइल किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ या मैं ऑनलाइन कोई काम कर रही हूँ, तो मेरा स्क्रीन जो है वो लॉक हो जाता है, मेरा सिस्टम लॉक हो जाता है। तो फिर क्या हो जाता है, ये कैसे हो जाता है, ये रैनसमवेयर से होता है। ये एक ऐसा मालवेयर है जो कि मेरे सिस्टम को ब्लॉक करता है, मेरी स्क्रीन को ब्लॉक करता है, मुझे अपने काम से करने से रोक देता है, और फिर क्या करता है, हमें कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं, हमें हमसे पैसे मांगता है, जब हम वो पैसे पे करते हैं तो मेरा सिस्टम जो है अनलॉक हो जाता है, समझ आई बात। यानी कि ये एक रैंसम मांगता है वहां से, यानी कि ये ऐसा एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो कि एक यूजर को कंप्यूटर यूज करने से, जो कि एक यूजर को काम करने से, जो कि एक यूजर को अपने जो भी उसकी रूटीन एक्टिविटीज होती है सिस्टम पे उसको करने से रोकता है, सिस्टम को पूरा ही ये क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, लॉक कर देता है, स्क्रीन को ही लॉक कर देता है या हमारे जो भी हमारे प्रोफाइल्स होते हैं उनको लॉक कर देता है, और पहले क्या मांगता है, कुछ अमाउंट मांगता है, पैसे मांगता है, जब हम वो पैसे फिर पे कर देते हैं इसको तब जाके हमारा कंप्यूटर जो है अनलॉक हो जाता है और हम उस पर वापस काम कर पाते हैं, ठीक है। रूट किट्स, रूट किट्स भी एक मैलिशियस एक सॉफ्टवेयर ही है। ये क्या करता है, ये रिमोटली कंट्रोल करता है विक्टम्स कंप्यूटर को, रिमोटली मतलब काफी दूर से ये कंप्यूटर को पूरा कंट्रोल करता है विद फुल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज। रूट किट जो है वो एप्लीकेशंस के थ्रू, कर्नल्स के थ्रू, हाइपरवाइजर्स के थ्रू, फर्मवेयर वगैरह के थ्रू जो है इंजेक्ट किया जाता है। तो ये क्या करते हैं, स्प्रेड किसके थ्रू होते हैं, मैलिशियस अटैचमेंट्स, फिशिंग, मैलिशियस डाउनलोड्स, कंप्रोमाइज्ड शेयर डिवाइसेस, रूट किट्स जो है ये कंसील करते हैं बाकी मालवियर्स को एज की लॉगर्स, मतलब ये मालवियर्स को क्या करते हैं, उनको छुपा देते हैं, तो और वो मालवियर जो है फिर अपना काम करता रहता है। की लॉगर, की लॉगर एक स्पाईवियर है जो कि मॉनिटर की एक्टिविटी को क्या करता है, ट्रैक करता है, यानी कि मॉनिटर पे क्या क्या एक यूजर कर रहा है काम, मॉनिटर पे उसको क्या क्या आ रहा है, उस एक्टिविटी को क्या कर रहा है ये मॉनिटर करता है। की लॉगर्स हैव लेजिटिमेट यूजेस, बिजनेस कैन यूज देम, बिजनेसेस कैन यूज देम टू मॉनिटर एम्प्लॉय एक्टिविटी एंड फैमिलीज मे यूज देम टू ट्रैक की ट्रैक ऑफ चिल्ड्रंस ऑनलाइन बिहेवियर। यानी कि की लॉगर्स के थ्रू क्या करते हैं, जो भी हमारे एम्प्लॉयर्स होते हैं एक ऑफिस में जो हेड होता है वो इनके थ्रू अपने एम्प्लॉयज की मॉनिटर एक्टिविटी को ट्रैक कर सकता है, या फैमिलीज वगैरह अपने बच्चों की जो भी वो मॉनिटर पे चीजें देखते हैं उस चीज को जो है ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। मगर अब ये तो हो गया इसका पॉजिटिव साइड, मगर अगर इसको मैलिशियस पर्पस के साथ जो है इंस्टॉल किया जाए तो इसके थ्रू पासवर्ड्स, बैंकिंग इंफॉर्मेशन और बाकी सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो आराम से ट्रैक की जा सकती है, ठीक है। बूट्स और बूटनेट्स, ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि ऑटोमेटेड टास्क करता है ऑन कमांड्स पे। इनको इस्तेमाल किया जाता है लिजिटिमेट पर्पस के लिए, जैसे इंडेक्सिंग
सर्च इंजन्स, इन्हें सर्च इंजन्स को इंडेक्स करने के लिए, मगर अगर इनको हम मैलिशियस पर्पस के लिए यूज़ किए करें तो ये क्या कर लेते हैं, ये फॉर्म लेते हैं सेल्फ प्रोपिगेटिंग मालवेयर का, जो कि कनेक्ट करता है फिर किसके साथ, सेंट्रल सर्वर के साथ, यानी कि जो मेन सर्वर होता है। अगर हम इसको जो है मतलब मैलिशियस पर्पस के मतलब ध्यान में रखें, इसको यूज करें, तो एक सेल्फ प्रोपिगेटिंग मालवेयर बन जाता है। ठीक है, ये क्या करता है काम, ये रिमोटली क्या करते हैं काम, ये फिर अटैक्स कर देते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ये अटैक करते हैं रिमोटली, फ्लड ऑफ अटैक्स करते हैं। ठीक है, ये काफ़ी फिर ये जो बोनेट्स होते हैं काफ़ी, या बोट्स जो होते हैं काफ़ी एक्सपेंसिव अटैक्स फिर इनके बन जाते हैं हमारे इसमें। ठीक है, तो ये भी एक सॉफ्टवेयर ही है आप ऐसे मान लीजिए, जो कि एक्चुअली तो लिजिटिमेट पर्पजेज के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि इंडेक्सिंग सर्च इंजन, मगर अगर इनको जो है मैलिशियस पर्पज के लिए यूज़ किया जाए तो ये सेल्फ प्रोपिगेटिंग बन जाते हैं। ठीक है, मोबाइल मालवेयर, मोबाइल मालवेयर जो है ये पिछले साल से 50% बढ़ गया है। मोबाइल मालवेयर वो वाले थ्रेट्स हैं, वो वाले मालवेयर्स हैं जो कि टारगेट करते हैं डेस्कटॉप्स को, या जिनके थ्रू हमारे जो मोबाइल मीन्स नहीं है मोबाइल फ़ोन, मोबाइल मीन्स जो कि जिनकी मोबिलिटी हो, ठीक है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह आराम से जो है जा सकते हो। तो मोबाइल मालवेयर्स जो है वो सीरियस थ्रेट्स है, और उनमें क्या क्या आते हैं, ट्रोजन्स, रैंसमवेयर, एडवर्टाइजमेंट क्लिक फ्रॉड एंड मोर, ये सारे जो है मोबाइल मालवेयर्स माने जाते हैं। ठीक है, ये भी मैलिशियस डाउनलोड्स, फिशिंग वगैरह के थ्रू जो है ये आ जाते हैं। वाइपर मालवेयर, वाइपर मालवेयर जो है इसका एक सिंगल पर्पस होता है कि ये इरेज करता है यूजर डेटा को और एंश्योर करता है कि वो डेटा वापस आए ही ना, यानी कि ये पूरा वाइप ही कर देता है डेटा को। अगर ये आपके डेस्कटॉप में आ गया, आपके लैपटॉप में आ गया, तो ये वाइप ऑफ कर देता है पूरे डेटा को और ये एंश्योर करता है कि वो डेटा वापस ना आए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ जो भी हमने ये पढ़े कुछ मालवेयर्स के टाइप्स, इनका मैंने एक यहाँ पे जिस्ट बनाया है कि वो करते क्या है, और उनकी एग्जाम्पल्स के साथ यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है जो भी ये आते हैं। तो इन शॉर्ट अगर हम देखेंगे तो मालवेयर जो है इन्हें हम मैलिशियस सॉफ्टवेयर कहेंगे ऑफ डिफरेंट टाइप्स, जो कि इन नटशल करते क्या है, ये हमारे डेटा को डिस्ट्रॉय करते हैं, हमारे डेटा को लीक करते हैं, हमारी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करते हैं, हमारी प्राइवेसी को ब्रीच करते हैं, ठीक है, हमारे डेस्कटॉप को, हमारे सॉफ्टवेयर को डैमेज कर देते हैं, हमारे हार्डवेयर को डैमेज कर देते हैं, हमारी जो है अकाउंट्स जो भी है उनको हैक कर देते हैं, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को लीक कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारे मालवेयर का काम है, और एंटीवायरसेस का काम क्या है, इस सब को रोकना है। तो हमारा मेन टॉपिक जो था वो था सिक्योरिटी मेजर्स, लेकिन सिक्योरिटी मेजर्स हमें अगेनिस्ट किसके चाहिए, वायरसेस के चाहिए, ट्रोजन हॉर्सेस के चाहिए, हमें वर्म्स के चाहिए, हमें स्पाईवेयर्स के चाहिए, हमें एडवेयर्स के चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के अगेनिस्ट हमें जो है प्रोटेक्शन चाहिए, और वो प्रोटेक्शन कौन देता है, एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या करते हैं काम, वो डिटेक्ट करते हैं हमारे कंप्यूटर पे आए हुए किसी भी मैलिशियस फाइल को, मैलिशियस लिंक को, मैलिशियस ऐप को, और उसको जो है फिर इरेडिकेट करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। विद दिस आई विल कंक्लूड टुडेज लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन होगा, कोई क्वेरी होगी, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या मुझे ईमेल कर सकते हैं, या आप मुझे जो है मेरे फेसबुक पेज पे भी मैसेज कर सकते हैं। आज का टॉपिक उतना टफ नहीं था, सबको पता है, सब इसके साथ वेल एक्वेंटेड है कि एंटीवायरसेस क्या होते हैं, लेकिन इनके टाइप्स पढ़ना बहुत ज़रूरी था क्योंकि एग्जाम में ये डिफरेंशिएट करने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, विद दिस आई विल कंक्लूड टुडेज लेक्चर। खुदा हाफिज़।